मॉर्निंग क्लास सिक्स दिस विल बी अ फिफ्थ लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू ऑफकोर्स योर सब्जेक्ट मैथ्स बेटा हम कंटिन्यू करते हैं ड्यू टू समेक्निकल रीजन आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियो बाई मेक माई सेल्फ विजिबल देअ फॉर आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन नोट बुक्स आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड ओके क्लास देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फाइंड द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग बेटा इसमें जो भी आपको टर्म्स दिए हैं उनके आपको सक्सेसर फाइंड आउट करने हैं अभी सक्सेसर क्या होता है सक्सेसर का मीनिंग होता है वन स्टेप आगे तो वन स्टेप आगे हम किस तरीके से चलते हैं किसी भी चीज़ में अगर हम प्लस वन करेंगे तो हम वन स्टेप आगे चलेंगे ठीक है इसी तरीके से आपको यहाँ पर टर्म दे रखा है माइनस एट अभी आप क्या करेंगे माइनस एट में माइनस एट में हम क्या करेंगे हम प्लस वन करेंगे ठीक है ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस सेवन आप कहेंगे कि ये तो सेवन आ रहा है और ये एट है तो सेवन इज ग्रे सेवन इज लेसर देन एट बट ऐसा नहीं होता जब नेगेटिव इंटीजर्स की बात होती है तो जो एक्चुअल में नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू कम होती है एज़ कंपेयर ट्विथ द नंबर विच इज़ लुकिंग इज स्मॉल क्लियर सो माइनस सेवन इज ग्रेटर देन माइनस एट हाउ मच द डिफरेंस बिटवीन द टू इज प्लस वन सो देअर फोर प्लस वन इज़ यूज हियर सो बेसिकली सक्सेसर में हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ का जब हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना होता है हम उसमें प्लस वन कर देते हैं तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं आप उनमें प्लस वन कर देंगे तो उनके सक्सेसर्स आपको मिल जाएंगे ओके okay? ये आपको इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं दैट इज सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये पार्ट्स आपको आपकी नोटबुक्स में सॉल्व करने हैं और कोई भी क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से डिस्कस कर सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे बोला गया है कि जो आपको ये दो साइड दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में एक साइड दिया हुआ है एल और एक साइड दिया हुआ है आर तो वो एल और आर साइड में आपको ग्रेटर दैन स्मॉलर देन और इक्वल टू के साइंस को लगाना है ठीक है अब हमको ये साइन लगाना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो एल एच एस है और आर एच एस है वो कंपेरेटिवली कैसे हैं तो सबसे पहले हम एल एच एस को सॉल्व करते हैं एल एच एस यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है माइनस थ्री प्लस एट बेटा देखिए माइनस थ्री प्लस एट इट मीन्स कितना आएगा ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट कोर्स एट इज ग्रेटर देन थ्री देयरफॉर फो थ्री विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय एट सो योर आंसर विल बी Five clear. Similarly, if we are going to uh, RHS side, so in RHS side we have two plus three. Here two is a positive integer while three is also a positive integer. Therefore, they uh, therefore they both will get added up with each other, and then we get. फाइव एज आर आंसर सो फ्रॉम एल एच एस वी गेट फाइव एज वेल एज फ्रॉम गेट फाइव दिसवल टू आर एच एस सो द साइन यू आर गोइंग टू फिल यज इक्वल टू सो यू विल फिल माइनस थ्री प्लस एट इज इक्वल टू टू प्लस थ्री एंड इन दिस सिमिलर वे आप सारे जितने भी इसके पार्ट है उनको सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट एल एच को सॉल्व करेंगे देन आप आर को सॉल्व करेंगे फिर जो साइन आपका आता है उस साइन को आप फिल करेंगे एंड ये जो सोल्यूशन है ये रफली नहीं होना चाहिए ये सोल्यूशन आपका फेयरली होगा ठीक है जो सोल्यूशन आप कर रहे हैं वहीं पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन में आपसे बोला है ए स्टार बी अगर आपको इस टाइप का कोई टर्म दिया है क्या ए स्टार बी तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है ए प्लस बी प्लस माइनस वन ठीक है तो अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है फाइव स्टार सिक्स बेटा ये फाइव स्टार सिक्स बिल्कुल उसी तरीके से दिया है जैसे दिया जैसे पर ए स्टार बी है तो यहां पर ए आपका क्या है फाइव और बी आपका क्या है सिक्स तो आप क्या करेंगे ए की जगह रखेंगे फाइव और बी की जगह रखेंगे सिक्स सबसे पहले वी नो दैट ए स्टार B is equal to A plus B plus minus वन तो यहाँ पर A की जगह क्या है फाइव स्टार B की जगह क्या है सिक्स यहां पर रखेंगे फाइव प्लस सिक्स प्लस माइनस वन देखिए बेटा फाइव भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और सिक्स भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये दोनों आपस में सिंपली ऐड हो जाएंगे और हमें मिलेगा इलेवन अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है प्लस माइनस क्या होता है माइनस तो so इलेवन माइनस वन तो यहां से हमको क्या मिलेगा टेन ठीक है तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आएगा टेन इसी तरीके से आपको इसके सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करना है बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पर ए और बी की जगह जो भी पार्ट्स में आपके टर्म्स दिए हुए हैं जो भी इंटीजर्स दिए हुए हैं उनको आपको रखना है साथ में बेटा आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर एट और नाइन सॉल्व करना है एटलीस्ट फॉर वन टाइम अदरवाइज एट और नाइन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगी ओके थैंक यू क्लास